भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2020 के टॉप 100 में सबसे अधिक कमाने वाले एथलीट्स की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं। तहत के इस बल्लेबाज ने इस सूची में शामिल होने वाला इकलौता स्थान प्राप्त किया है भारतीय के रूप में। वहीं फोर्ब्स के अनुसार कोहली की कुल कमाई $26 मिलियन यानी करीब 196 करोड़ रुपए है, जहाँ $24 मिलियन उन्हें विज्ञापन से और $2 मिलियन उन्हें सैलरी से मिलती। उन्होंने 2019 से अब तक 30 से अधिक स्थानों की छलांग लगाई है, क्योंकि इस वर्ष की सूची में वो 66वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर इस साल कमाई के मामले में सबको पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर चुके हैं। वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी पिछले साल की कमाई लगभग $106 मिलियन बताई गई है। बता दें कि विराट कोहली के लिए लगातार दूसरा साल है जब उन्हें फोर्ब्स की टॉप 100 में सबसे ज़्यादा कमाने वाले एथलीट्स की सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले वो 100वें स्थान पर थे, यानी कि साल 2019 में उनकी कमाई $25 मिलियन। हालांकि विराट कोहली का कहीं ना कहीं यहाँ पर नाम आना एक गर्व का विषय तो है ही, वहीं बाकी भारतीय क्रिकेटरों के लिए भी एक सीख की बात है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। We'll be right back.